गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट लेबर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आज की तारीख में ब्लैक फंगस का स्केयर है, ये फियर है एंड स्केयर भी है। आज कुछ दूसरे एस्पेक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे। कई बार ऐसी बात हुई कि ड्यूरिंग द सेकेंड वेव बिकॉज ऑफ द स्केयरसिटी ऑफ द ऑक्सीजन, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन यूज हुई एंड शायद इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन जो यूज हुई उसके चलते ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस हुई। अभी तक कोई डेफिनेटिव एविडेंस नहीं है, इसके बारे में हम बात करेंगे आगे किसी वीडियो में, बट आज की तारीख में कोई डेफिनेटिव एविडेंस नहीं है कि जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन यूज हुई उसके चलते म्यूकोरमाइकोसिस या जो ब्लैक फंगस के केसेस हैं वो बहुत तेजी से बढ़े। नंबर दो, जो जिंक है वो बहुत हाई अमाउंट में लोगों ने यूज किया इन ऑर्डर टू इंक्रीज द इम्यूनिटी। ऐसा माना गया कि जिंक इम्यूनिटी को बढ़ाता है, इसलिए हाई डोज जिंक यूज हुई। लेकिन अभी तक कोई डेफिनेटिव एविडेंस नहीं है कि वास्तव में जिंक ने ऐसा किया, बट देर आर रिपोर्ट्स विच से दिस थिंग दैट पॉसिबली हाई जिंक हैज बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लैक फंगस। इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। नाउ जहां तक ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन का सवाल है, देखिए ऑक्सीजन आप किसी भी फॉर्म में यूज करें, चाहे आप सिंपल ऑक्सीजन करें, चाहे आप हाई फ्लो ऑक्सीजन यूज करें, चाहे आप वेंटिलेटर पर चले जाएं, आपको जो भी ऑक्सीजन मिलेगी वो हमेशा ह्यूमिडिफाइड मिलेगी। जो ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन है इज इसेंशियल फॉर लाइफ, ये फैक्ट है जो आपको समझने की जरूरत है। जो ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन है वो तो चाहिए ही चाहिए। अगर मुझे ऑक्सीजन लगेगी तो ह्यूमिडिफाइड ही ऑक्सीजन चाहिए, आपको ऑक्सीजन लगेगी तो ह्यूमिडिफाइड ही चाहिए। लेकिन ये इंपॉर्टेंट जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफ द मेडिकल पर्सनल कि जो बॉटल है जो ह्यूमिडिफिकेशन के लिए यूज होती है उसको बहुत साफ किया जाए, पर्टिकुलरली अंदर की जो सरफेस है उसको साफ करके रखा जाए। जो पानी है वो हमेशा स्टराइल वाटर यूज किया जाए, बिकॉज सरफेस इन वाटर इसमें म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस इसके स्पोर्स होने की काफी संभावना है। वो जो ट्यूब्स यूज होती हैं वास्तव में रिकमेंडेशन ये है कि रीयूज नहीं की जानी चाहिए, आपको हर बार डिस्पोजेबल फ्रेश ट्यूब्स जो है यूज की जानी चाहिए। रीयूजिंग या स्टरलाइजिंग द ट्यूब्स पॉसिबली इज नॉट जो है रिकमेंडेड, इट्स द फ्रेश ट्यूब्स जो यूज की जानी चाहिए। अगर इन्हें रीयूज करना है तो इसको माना जाता है कि आपको हाइपो का जो सोल्यूशन है उससे स्टरलाइज करने की जरूरत है। नाउ द क्वेश्चन इज के पोस्ट रिकवरी पीरियड में, जो COVID-19 का अगर आप पोस्ट रिकवरी में है, तब ये म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस कहां से जनरेट होती है और क्यों जनरेट होती है। यह बात बिल्कुल फैक्ट है कि मोस्टली जो केसेस हैं जो ब्लैक फंगस के सामने आते हैं वो कोविड से ठीक होने के बाद रिकवरी पीरियड में ही आते हैं। ऐसे बहुत कम केसेस हैं कि जो कोविड के इंफेक्शन से अभी बैटल कर रहे हैं और उसी समय ब्लैक फंगस आइडेंटिफाई हुई। 90% केसेस वो हैं जो ब्लैक फंगस से रिकवर हुए, सॉरी COVID-19 से रिकवर हुए, घर डिस्चार्ज होकर घर चले गए एंड देखा गया कि उनको वास्तव में ब्लैक फंगस डेवलप हो गई। ऐसा माना जाता है कि कोविड से रिकवरी के बाद जो 2 हफ्ते का पीरियड है, 2 वीक्स पोस्ट रिकवरी, इज द मोस्ट क्रूशियल पीरियड कि आपको कहीं ब्लैक फंगस का जो एक इंफेक्शन है वो डेवलप तो नहीं हो जाएगा। नाउ हु आर द पीपल हु आर प्रोन, किन्हें इस चीज को बहुत वॉच करने की जरूरत है। अगर आपको डायबिटीज है आपको ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि आप रिस्क में होंगे। अगर आपके अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर है आपको ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि आप रिस्क में होंगे। आप ध्यान से देखिए कि आपको COVID-19 था, आप हॉस्पिटल में थे, तो कहीं आपको हाई डोज स्टेरॉइड्स यूज तो नहीं हुए फॉर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ COVID-19। अगर ऐसा है तो आप रिस्क में होंगे। नंबर 4, अगर आपको अनफॉर्चुनेटली वेंटिलेटरी सपोर्ट की जरूरत पड़ी जो थोड़ा सा लंबा चला तो आप रिस्क में होंगे, उस एंगल को आपको ध्यान देने की जरूरत है। इन फॉर दैट मैटर अगर नहीं भी वेंटिलेटर की यूज की जरूरत पड़ी, अगर आपको ऑक्सीजन थेरेपी की जरूरत पड़ी, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, तो भी आपको वॉच करने की जरूरत है क्योंकि आप रिस्क में होंगे। इसके अलावा आपको कोई भी एसोसिएटेड इम्यूनो कंप्रोमाइज डिजीज है, सी फॉर एग्जांपल आपको HIV एसोसिएटेड है, आपको कोई कैंसर जैसी बीमारी है, आपको कोई कीमोथेरेपी चल रही है, आपको क्रॉनिक रीनल फेलियर है, ये वास्तव में बॉडी के इम्यून सिस्टम को सप्रेस करके चलती हैं, तो पोस्ट कोविड का जो रिकवरी पीरियड है उसमें ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस होने का जो एक रिस्क है वो हमेशा बढ़ जाता है। Now, क्या ये पॉसिबल है कि कुछ लोगों को ऐसा हो जाए ब्लैक फंगस जिनको कभी कोविड हुआ ही नहीं? ये बिल्कुल बात सही है कि देयर सर्टेन पीपल हु से कि उन्हें कभी COVID-19 का इंफेक्शन हुआ ही नहीं, फिर भी उन्हें ब्लैक फंगस हो गई है। देखिए बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं COVID-19 के, उन्हें एसिम्प्टोमेटिक इंफेक्शन निकल जाता है, उन्हें पता ही नहीं लगता कि उन्हें COVID-19 का इंफेक्शन है। साइंस ऐसा मानती है कि ये जो ग्रुप है
जिसमें कोविड 19 का भी डॉक्यूमेंट नहीं हुआ, पॉसिबली दीज आर द पीपल जिन्हें एसिम्प्टोमेटिक कोविड 19 का इन्फेक्शन निकल गया और उसमें ही इन्हें ब्लैक फंगस डेवलप हो गई. दैट्स नंबर वन. नंबर टू, कोई भी ऐसा कारण जिससे इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, इम्यूनिटी सप्रेस्ड है, और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जो स्टेटस है वो वास्तव में आपको पोटेंशियली प्रोन करता है फॉर द ब्लैक फंगस. ये फैक्ट है जो आपको समझने की जरूरत है. नाउ अगर आप रिकवरी फेज में हैं, कोविड की रिकवरी फेज में है, एक ब्लैक फंगस का अगर डर है, तो देयर आर सर्टेन अर्ली वार्निंग साइंस जो आपको ध्यान देने की जरूरत है. यूनिलेटरल हेडेक, इसका मतलब एक तरफ सिर में दर्द हो रहा है, उस पर ध्यान दीजिए. अगर आपके चेहरे में कहीं नंबनेस हो रही है या सुन्नता सी महसूस हो रही है, उस पर ध्यान दीजिए. आपका अचानक कैसे लगता है कि दांत हिलने लगा है या लूज हो रहा है, उस पर ध्यान दीजिए. अगर आपको परसिस्टेंटली लगती है कि आपकी नाक बंद है, पर्टिकुलरली एक ही नाक बंद है लगातार, तो उस पर ध्यान दीजिए. अगर आपको लगातार दांत में सीवियर पेन हो रहा है, तो उस पर ध्यान दीजिए. अगर आपको लगता है कि नाक में क्रस्टिंग हो रही है या नाक से ब्लीडिंग हो रही है, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि ये अर्ली वार्निंग साइंस हैं ऑफ द ब्लैक फंगस. इसके अलावा अगर थोड़ा सा आगे बढ़ेगा और आंख पकड़ पर ये असर डालेगा, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपको डिप्लोपिया हो जाए. डिप्लोपिया का मतलब है कि एक की दो दो चीजें दिखाई देने लगे, सामने एक चीज है आपको दो दिखाई देने लगे. इन कभी कभी आंख की जो ऊपर की पलक है वो नीचे की तरफ जो है लटक सकती है, जिसे कहते हैं ड्रूपिंग आईलिड. तो दीज आर द अर्ली वार्निंग साइंस ऑफ द ब्लैक फंगस जो आपको हमेशा वॉच करने की जरूरत है अगर आप कोविड 19 की रिकवरी पीरियड में हैं. तो नाउ एक क्वेश्चन है कि क्या वास्तव में अगर आपको ब्लैक फंगस है तो आप बहुत टॉक्सिक एंड बहुत बीमार दिखाई देते हैं? सही बात यह है कि आप बहुत टॉक्सिक एंड बीमार दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि जो इनिशियली जो सिम्टम्स हैं वो बहुत माइल्ड होते हैं. हल्का फुल्का हेडेक होगा, थोड़ी सी चेहरे पे नंबनेस होगी, कभी नाक में ब्लॉक जैसा महसूस होगा, लेकिन आप शुरुआती फेज में आप बहुत टॉक्सिक या बहुत सिक लुकिंग दिखाई नहीं देते हैं. नाउ अगर अर्ली हमें डायग्नोसिस बनानी है म्यूकोरमाइकोसिस की, तो क्या है तरीका, कैसे बनेगी डायग्नोसिस? क्या डायग्नोसिस जो ना बिल्कुल ऐसी है कि जो प्लेट पे है बिना किसी प्रॉब्लम के सामने आ जाएगी? ऐसा है नहीं. देखिए, रेगुलर ईएनटी चेकअप इज द की. अगर हल्का फुल्का भी आपको डर है, शंका है, पोस्ट कोविड के रिकवरी पीरियड में है, तो जो अर्ली ईएनटी चेकअप है वो शायद जो ना सबसे अच्छा माना जाता है, जो को आई मीन ब्लैक फंगस है उसको पहचानने के लिए. ऐसा माना जाता है कि जो रिजिड नेजल एंडोस्कोप जो ईएनटी सर्जन्स यूज करते हैं वो इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन है या नहीं है. ऐसा ईएनटी सर्जन्स का मानना है कि जब एंडोस्कोप वो नाक में पास करते हैं, अगर वो सरफेस को टच करता है एंडोस्कोप और आपको पेन महसूस नहीं होता है, इसका मतलब है लॉस ऑफ पेन सेंसेशन इज द अर्लीएस्ट सिम्टम कि वास्तव में ये ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन है. अगर आप बिल्कुल अर्ली सिम्टम्स हैं तो भी आपको ईएनटी चेकअप कराना चाहिए. एक बार मैं अर्ली सिम्टम्स को फिर से आपके सामने रखूं कि अगर आपको एक तरफ सिर में दर्द हो रहा है, दैट इज यूनिलेटरल हेडेक. अगर आपको चेहरे पे जो है सुन्नता हो रही है, दैट इज नंबनेस. दांत में लगातार दर्द हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि एक तरफ का चेहरा आपका टेढ़ा हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि आपकी आंख की ऊपर की पलक लटक रही है, अगर आपको लग रहा है एक के दो जो दिखाई दे रहे हैं या नाक आपकी बंद चल रही है एक ही तरफ की लगातार, अगर ये अर्ली सिम्टम्स आपको समझ में आ रहे हैं, आप पोस्ट आई मीन कोविड के रिकवरी पीरियड में हैं, मैं आपको सलाह दूंगा कि आप किसी ईएनटी सर्जन से जरूर चेक कराएं. वो एक रिजिड आई मीन नेजल एंडोस्कोप से चेक करके आपको बता देंगे कि वास्तव में आपको ये इन्फेक्शन है या ये इन्फेक्शन नहीं है. नाउ द क्वेश्चन इज कि जो नाक में से आपको सिक्रीशंस निकल रहे हैं या खांसी में जो स्पुटम या बलगम निकल रहा है या ब्लड टेस्ट में आपके करूं, क्या ये तीनों जो चीजें हैं इनसे इजीली ब्लैक फंगस को आइडेंटिफाई किया जा सकता है? अनफॉर्चुनेटली नहीं. जो नेजल सेक्रीशंस हैं उनसे आइडेंटिफिकेशन, उसकी यील्ड बहुत कम है. स्पुटम को हम एग्जामिन करेंगे, उसकी यील्ड बहुत कम है. ब्लड टेस्ट कराएं, उसकी यील्ड बहुत कम है. तो फिर कैसे होगा कंफर्म? अगर कंफर्म करना है तो नाक की जो एक सरफेस है उसके से कुछ स्क्रैपिंग या बायोप्सी लेनी पड़ेगी, सो दैट इसको जो ना फंगस को आइडेंटिफाई किया जा सके. साइंस ऐसा मानती है दिस पॉसिबिलिटी इज द बेस्ट वे कि स्क्रैपिंग निकाली जाए या बायोप्सी करी जाए. और ये जो स्क्रैपिंग एंड बायोप्सी है वास्तव में इसकी KOH प्रिपरेशन एंड ग्राम स्टेनिंग की जाए. और इसको जो है कभी कभी फंगल हाइफी को देखने के लिए हमें फंगल कल्चर की जरूरत पड़ती है. अगर हम ये तीन काम करते हैं, इन द सेंस कि नेजल एंडोस्कोपी करें, स्क्रैपिंग उसकी निकालें, उसकी बायोप्सी करें और इसकी फिर KOH प्रिपरेशन ग्राम स्टेनिंग एंड कल्चर करें, यह है जिससे जो ब्लैक फंगस है उसको ऑथेंटिकली
100% डायग्नोज किया जा सकता है। एक बार अगर ब्लैक फंगस को डायग्नोज किया तो उसका ट्रीटमेंट इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर अर्ली फेज में इसको आइडेंटिफाई किया तो सिर्फ मेडिसिन से ही ठीक हो जाएगा। इन द सेंस के एंटीफंगल मेडिसिन आप यूज करेंगे लाइक एम्फोटेरिसिन बी एंड आप इससे पूरी तरह बाहर हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने अर्ली सिम्टम्स को नहीं पहचाना, यह बीमारी थोड़ी सी आगे बढ़ी, उसने टिश्यूज को ज्यादा डैमेज किया, तो फिर आपको एंटीफंगल दवाइयों के अलावा शायद सर्जरी या ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी। अगर आप समझते हैं कि ब्लैक फंगस के इस एंगल को समझने में यह वीडियो आपको हेल्प करता है तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। थैंक यू वेरी मच।